डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कार्डियक डिसऑर्डर्स। क्या रहेगा बेटा? कार्डियक डिसऑर्डर। जो कल मैंने आपके पास वीडियो सेंड की थी, उसके अंदर हमारे पास हाइपरटेंशन के बारे में बताया था कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, ठीक है बेटा। और हमने उसमें ब्लड प्रेशर किस तरह से मेज़र किया जाता है वो सारी चीज़ें बता दी गई थी। वो हमारे NCERT का टॉपिक है, उसको ढंग से पढ़ना। अब उसको छोड़ के हम दूसरी डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहला डिसऑर्डर अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है बेटा? रूमेटिक फीवर होता है। क्या होता है? रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर इसका मतलब क्या होता है? रूमेटिक फीवर का मतलब, हालांकि स्टार्टिंग में एक थ्रोट इन्फेक्शन होता है। कैसा इन्फेक्शन होता है बेटा? ये थ्रोट इन्फेक्शन है ये, और किसके कारण होता है? मेनली एक बैक्टीरिया के कारण। और बैक्टीरिया कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है। कौन सा होगा बेटा? ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, जो क्या करता है? गले में इन्फेक्ट करता है। लेकिन जब ये ज़्यादा अमाउंट में, वैन द इन्फेक्शन इज मोर, जी ये ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो ये कहाँ पहुँच जाता है? मोर इन्फेक्शन तो कहाँ पहुँच जाता है? ये हार्ट में पहुँच जाता है। ये बैक्टीरिया कहाँ चला जाता है? हार्ट के अंदर। और हार्ट के अंदर जो हमारी कौन सी वाल्स थी बेटा? सेमी ल्यूनर वाल। कौन सी वाल्स थी हमारी? सेमी ल्यूनर वाल। आपको याद होगा एरोटिक सेमी ल्यूनर वाल। और कौन सी थी बेटा हमारे पास? पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल। तो वेंट्रिकल से जा रही थी जो पल्मोनरी आर्टरी थी, और क्या था बेटा? एरोटा, वहाँ पे जो वाल प्रेजेंट थी, हम क्या नाम दे रहे थे? सेमी ल्यूनर वाल। जब ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, हार्ट में पहुँच जाता है, तो मेनली कौन सी वाल को डैमेज कर देता है? ये सेमी ल्यूनर वाल्स को डैमेज कर देता है। और सेमी ल्यूनर वाल हमारी कौन सी साउंड प्रोड्यूस कर रही थी? हार्ट की सेकेंड साउंड प्रोड्यूस कर रही थी। अब जब ये सेमी ल्यूनर वाल डैमेज हो जाती है, या तो दोनों को ही ख़राब कर देता है, नहीं तो एक को ख़राब कर देता है। ये डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन कितना हुआ है। जब हमारी सेमी ल्यूनर वाल डैमेज हो जाती है, तो हमारी हार्ट की साउंड जो डब प्रोड्यूस ना करके एक हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। कैसी साउंड प्रोड्यूस होती है? हीजिंग। हीजिंग मतलब क्या होता है? जो स्नेक हिस जैसे साउंड निकालता है, तो इस तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है, और उसे हम क्या नाम देते हैं? हार्ट मर्मर कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा उसे? हम हार्ट मर्मर कहेंगे। तुमसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि हार्ट मर्मर होता क्या है, तो हार्ट मर्मर क्या होगा? डैमेज ऑफ सेमी ल्यूनर वाल, या डैमेज ऑफ कुछ भी आ सकता है आपका। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा? सेमी ल्यूनर वाल्स ख़राब हो जाती है। और इसका ख़राब होने का मेन रीज़न क्या होगा? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। और ये रूमेटिक फीवर होता है, जो पहले किस में आएगा? गले में। अगर हमने एंटीबायोटिक ले लिया, ठीक हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हम कुछ उसके लिए प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कहाँ पहुँच जाता है? हमारे हार्ट में। और किसको डैमेज कर देता है? सेमी ल्यूनर वाल को। तो हमारी हार्ट की साउंड प्रॉपर ना आके कौन सी साउंड प्रोड्यूस हो जाती है वहाँ पे? हीजिंग साउंड, स्नेक जैसे जिस तरह से आवाज़ निकालता है उस तरह से। और इसे हम क्या नाम देते हैं बेटा? हार्ट मर्मर कहेंगे। तो इसको आपको याद रखना है। तो हमने क्या बताया? पहला डिसऑर्डर रूमेटिक फीवर। सेकेंड अगर हम बात करेंगे, CAD डिसऑर्डर्स बोला जाता है इसे, हम क्या कहते हैं? कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं हम। क्या कहेंगे? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्या है ये कोरोनरी आर्टरी? हमने आपको एरोटा बताया था, एरोटा। तो इस एरोटा से मैंने तीन आर्च बनाई थी, इस तरह से बनाई थी। से असेंडिंग होती है, डिसेंडिंग होती है। देखो इसका मेन नाम क्या होता है? बीच वाली इसे हम क्या नाम देंगे? कोरोनरी आर्टरी। क्या नाम देंगे? कोरोनरी आर्टरी। ये क्या होती है? सब क्लेविकल आर्टरी होती है। और ये क्या होती है बेटा? ब्रैकी ब्रैकियोसिफेलिक होती है बेटा। ये क्या होती है? ब्रैकियोसिफेलिक आर्टरी होती है। मतलब ये हमारे ऊपर वाले हिस्से के अंदर क्या लेके जाती है? ब्लड। और ये सब क्लेवियन क्या हो जाएगी? हमारे लोअर पार्ट्स के अंदर ब्लड लेके जाती है। कोरोनरी आर्टरी क्या होगी? क्योंकि हमारे हार्ट को भी क्या चाहिएगी? ब्लड की सप्लाई। तो कोरोनरी आर्टरी वो होती है विच सप्लाई द ब्लड टू हार्ट। कहाँ तक लेके आएगी ये? हार्ट तक। देखो ध्यान देना बेटा, जो मैंने आपको एरोटा करके इस तरह से बनाते हैं, वहाँ पे तीन आर्च बनाते हैं, इनमें एक्चुअल में क्या होती है? कोरोनरी आर्टरी, ब्रैकियोसिफेलिक आर्टरी और सब क्लेविकल आर्टरी। ब्रैकियोसिफेलिक हमारे ब्रेन के ऊपर वाले हिस्से में लेके जाती है, सब क्लेविकल हमारे लोअर पार्ट्स के अंदर लेके जाती है, ठीक है? लोअर मतलब हार्ट के नीचे वाले हिस्से में। और कोरोनरी आर्टरी मतलब कोरोनरी, ये फिर ब्रांच में हो जाएगी लेफ्ट एंड राइट में। और
ये हमारे कहाँ पे ब्लड लेके जा रही है, हार्ट भी, हार्ट को भी काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिएगी, एनर्जी चाहिएगी, तो वो कौन सप्लाई करेगा उसको, कोरोनरी आर्टरी। तो इस डिसऑर्डर को हम क्या, इसके अंदर क्या होगा, कोई भी डैमेज हो रहा है, डिजीज हो रही है, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, कोरोनरी।